नर्सेस एसोसिएशन के आह्वान पर स्थानीय अस्पताल चौराहे पर हड़ताल पर बैठी समस्त स्टाफ नर्स अपनी मांगों को लेकर हड़ताल और विरोध प्रदर्शन कर रही प्रदेश भर की नर्सेस एसोसिएशन आज एक बार फिर काम बंद हड़ताल पर चली गईं। गौरतलब हो कि मध्य प्रदेश में नर्सें अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार विरोध में हैं। टीकमगढ़ में भी समस्त नर्सेस स्टाफ अस्पताल चौराहे पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहीं। उनका कहना है कि सरकार ने अपनी तरफ से कहा था कि नर्सेस एसोसिएशन के साथ बात हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। जब तक सरकार उनकी 12 मांगों से प्रमुख मांगों को नहीं मानेगी, जब तक हम काम बंद कर हड़ताल पर रहेंगे। साथ ही सरकार ने अभी तक कोई ध्यान उनकी मांगों पर नहीं दिया। नर्सेस एसोसिएशन की प्रमुख मांग में दूसरे राज्य की तरह उनको भी सेकंड ग्रेड मिले, कोरोना में शहीद हुए साथियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति मिले, साथ ही शहीद होने वाले परिवारों को मुआवजा सरकार दे। साथ ही सबसे बड़ी और जरूरी मांग है कि जितने भी संविदा नर्सेज स्टाफ है उनको स्थायी किया जाए। जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी, जब तक काम पर नहीं लौटेंगी। साथ ही जिन स्टाफ नर्सेज की परीक्षा अवधि समाप्त नहीं हुई है उन्हें ड्यूटी पर काली पट्टी बांध कर विरोध जताया। नाम श्रीमती निधि यादव है और मैं जिला चिकित्सालय टीकमगढ़ में स्टाफ नर्स के पद पे पदस्थ हूँ। आप बताइए, जो आप लोगों की हड़ताल है, किन मांगों को लेकर हड़ताल है, कब तक ये हड़ताल चलेगी? हम लोगों की 12 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल है जो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। उसमें से मुख्य मांगे इस प्रकार हैं, हम लोगों को समान कार्य समान वेतन दिया जाए अन्य राज्यों की भांति। हम लोगों को वर्षों से जो लंबित पदोन्नति नहीं दी जा रही है वो दी जाए। कोविड में जो भी संविदा कर्मचारी या फिर जो भी नई ज्वाइनिंग हुई है उनको नियमित किया जाए। पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए और पदोन्नति दी जाए। ये हम लोगों की मुख्य मांगे हैं और बाकी जो अन्य मांगे हैं वो हम लोग ज्ञापन के माध्यम से सरकार को दे चुके हैं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो क्या आपका हड़ताल निरंतर जारी है? हम लोगों की हड़ताल अनिश्चितकालीन है और जो प्रांतीय आह्वान पर हम लोग कर रहे हैं, और हमारी जो और साथी बहनें हैं जिनकी परीवीक्षा अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है वो भी बोर्ड में मरीजों का काम कर रही है काली पट्टी बांध कर। काली पट्टी बांधने का क्या उद्देश्य है? काली पट्टी बांधने का यही उद्देश्य है कि आज तो हम लोग सरकार से आह्वान कर रहे हैं कि अगर हमारी मांगे अगर आज पूरी कर दी जाती हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से काली पट्टी बांध के काम कर रहे हैं। अगर हमारी मांग अनदेखा कर रही है तो हम भी अनदेखा कर रहे हैं। हम भी अनदेखा कर रहे हैं।